इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी पंकज। आज हम दोनों आपके सामने आज की बड़ी खबर लगातार प्रस्तुत करेंगे। पंजाब में जो घमासान मचा हुआ है, इस घमासान में अभी शायद किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या होने जा रहा है। मुख्यमंत्री चन्नी से जब यह पूछा गया कि नवजोत सिंह सिद्धू ने आखिरकार अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों दिया, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे सिद्धू के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं नहीं जानता कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया भी है या नहीं। अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया है। यह बात अलग है कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित की जा रही है, जिसमें राहुल गांधी खुद मौजूद रहेंगे। आज कन्हैया कुमार के साथ साथ गुजरात के भी एक बड़े नेता के साथ जुड़ने की बात कही जा रही है और इस दिन, आज के दिन पंजाब की गतिविधियां जबरदस्त तरीके से तेज हैं। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली आने के साथ ही ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात अमित शाह से, जेपी नड्डा से हो सकती है। हालांकि इस खबर को अभी किसी तरीके से पुष्ट नहीं किया जा पाया है। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू अचानक दोपहर में अपना अध्यक्ष पद का इस्तीफा सौंप देते हैं और जब वो इस्तीफा सौंपते हैं तो वो ये लिखते हैं कि पंजाब के भविष्य के साथ वो समझौता नहीं करना चाहते। जाहिर सी बात है, समझौते की बात क्या निकल कर आ रही है यह भी हम पढ़ते हैं, इसकी तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सूत्र के आधार पर जानकारी मिल रही है, नवजोत सिंह सिद्धू को यह बात बहुत नागवार गुजर रही थी कि भले ही उन्हें नए कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाहर जाने का रास्ता बहुत ही आसान कर दिया कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री के पद से बहुत दूर रह गए। और उनकी दूसरी बड़ी दिक्कत यह थी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, कि मन मुताबिक लोग उनके मंत्रिमंडल में नहीं जा पा रहे थे। यहां तक कि प्रशासनिक अमले में भी सिद्धू के चाहने वाले या चहेते लोग नहीं जा पा रहे थे। और शायद ये दो बड़ी वजह थी जिसकी वजह से आज नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा अध्यक्ष पद का सौंप दिया। ये इस्तीफा उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर दिया और उस चिट्ठी को खुद ही सार्वजनिक भी किया। अगर उनके ट्विटर अकाउंट को, नवजोत सिंह सिद्धू के ट्विटर अकाउंट को अगर आप आज देखें तो उस पर हर तरह के कमेंट्स हैं, जिसमें यहां तक लिखा जा रहा है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू एक एजेंट के तौर पर कांग्रेस को तबाह करने के लिए आए थे। लेकिन तरह तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उहापोह की स्थिति कांग्रेस के नेतृत्व में है। अभी तक इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि आखिरकार पंजाब में हो क्या रहा है। मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो किसानों के मुद्दों को उठाते हैं, कहते हैं कि किसानी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। राज्य में तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के आसपास किसानों के ऊपर बकाया है। केंद्र सरकार से वो गुजारिश करेंगे कि इस तरह के किसान कर्ज माफी की एक बड़ी पहल की जाए जिससे किसानों को सहूलियत मिले। लेकिन जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि चन्नी साहब ये तो बताइए कि आखिरकार क्यों नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा दिया, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। दिल्ली में जो प्रवक्ता हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनसे भी पूछा गया, उन्होंने कहा बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें बताएंगे आपको। तो हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इसी बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, पल पल की जानकारी और उसके साथ विश्लेषण के साथ वापस आ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं मुकाबला और लगातार पंजाब की पल पल बदलती तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज की बड़ी खबर हम आपको बता दें, पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को अपने इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने चिट्ठी लिखकर अपनी इस चिट्ठी को सार्वजनिक करके अपने इस्तीफे की घोषणा खुद ही की है। इस बारे में पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। शीर्ष नेतृत्व यानी कि आलाकमान की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आ रही है। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में उनकी मुलाकातों का दौर होगा। बताया जा रहा है कि अमित शाह, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो सकती है। इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके कांग्रेस की दुखती रग को थोड़ा और दबाया है। उन्होंने कहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू अनस्टेबल है, एक फ्रंटलाइन स्टेट, एक फ्रंटियर स्टेट के मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है, नेता बनने के लायक नहीं है। इस ट्वीट के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर जतला दिया कांग्रेस नेतृत्व को कि उनका फैसला कितना गलत था। इसी बड़े मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियां मौजूद रहेंगी, सभी प्रतिनिधि हमारे साथ होंगे। बन रहे हमारे साथ। इस छोटे से ब्रेक के बाद शुरू करते हैं मुकाबला। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट से बाहर आते वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये तस्वीरें हैं। थोड़ा लड़खड़ा कर चल रहे हैं,
लेकिन ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं आप किन से मुलाकात करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्या सोनिया गांधी से मिलेंगे, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलेंगे या फिर जेपी नड्डा से मिलेंगे, तो इस पर सबकी नजर। पंजाब में जबरदस्त तरीके से हलचल, नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। आपसे कुछ देर पहले चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का इल्म नहीं था, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हम मिल बैठकर बात करेंगे। इस बीच हमने एक तस्वीर आपको दिखाई थी राहुल गांधी जब जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार जो कि कांग्रेस में आए हैं उनके साथ नजर आए शहीद भगत सिंह पार्क में, और जबरदस्त तरीके से पंजाब कांग्रेस में इस वक्त हलचल मची हुई है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। अजय जी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अमरिंदर सिंह पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है पंकज की वाकई में स्थिति बहुत गंभीर और विकट होने जा रही है कांग्रेस के लिए, क्योंकि आज कांग्रेस अपने दो नए एक्विजिशन के बारे में चर्चा करने जा रही थी लेकिन अचानक पंजाब ने सारी खबरों को बहुत ज्यादा आगे ले लिया है। और इसी पर चर्चा करते हैं राजीव जेटली जी भारतीय जनता पार्टी से, अशप्रीत जी हमारे साथ पंजाब कांग्रेस के हैं, जगवीर सिंह जी अकाली दल से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और एडवोकेट रविंदर सिंह जी आम आदमी पार्टी से भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अशप्रीत जी लेकिन सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं ये जो पंजाब कांग्रेस में उठापटक मची है भाई ये क्या हो रहा है, हमारे कम से कम दर्शकों को समझा तो दीजिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं। देखिए कांग्रेस की फिक्र आप मत कीजिए, ना ही पार्टीज को करने की जरूरत है, बिकॉज कांग्रेस को पंजाब की, पंजाब के विकास की और पंजाब के लोगों की फिक्र है। दूसरी बात ये इंटरनल मैटर है, इसमें दूसरी पार्टीज शुड नॉट हैव एनी से, बिकॉज बीजेपी के 7 महीनों में 5 CMs ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं। येदुरप्पा साहब जो 4 बार आज तक रिजाइन कर चुके हैं, 4 बार मुख्यमंत्री बने, 4 बार रिजाइन किया, 1 बार अडवाणी साहब को पसंद नहीं आए, 1 बार मोदी साहब को पसंद नहीं आए, 1 बार आपने दिखा दिया जी सर, सर उन्होंने उन्होंने आप दिल्ली आने वाले थे ऐसे समय में सर ने सर ये कोई हर नहीं क्या यार, ये क्या कह रहा है कैप्टन सर साहब, आपने कहा है ट्वीट करके कि इसको सेवा नहीं है, क्या ठीक कहा है आप करो यार, पंजाब के लिए ठीक नहीं है, पहला रिएक्शन क्या आपका, क्या रिएक्शन है, क्या कहा था आपने, ट्वीट किया है कि आपने पहले कहा था कि ही इज नॉट अ स्टेबल माइंड और पंजाब आई स्टैंड बाय इट एंड आई से एब्सोल्युटली आई डोंट ट्वीट अनलेस आई मीन इट एंड व्हाट इज माय ट्वीट यू कैन कॉल मेरे सामने खड़े सर, आपको लगता है कि सिद्धू साहब की वजह से आपको अपना पोस्ट करवाना पड़ा, अब वो भी उन्होंने रिजाइन कर दिया है, आपको लगता है कि उनकी वजह से ही आपको अपना पोस्ट गवाना पड़ा, आपको इस्तीफा देना पड़ा, गलत फैसला था। That was nothing to do with Sidhu. Sidhu को जब मैं कह रहा हूँ कि इस unstable तो उसको ने कोई reaction तो होगा ही, कुछ कहा होगा, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। यहाँ किससे मिलने का प्रोग्राम है यहाँ पर? यहाँ मैं घर जाऊँगा, सामान इकट्ठा करूंगा और मैं पंजाब जाऊंगा कल को। क्या सिद्धू के इस्तीफे के बाद अब आपकी क्या? अरे आई एम नॉट मीटिंग एनी पॉलिटिशियन, मैंने आप तक कह दिया, किसी पॉलिटिशियन को मैं नहीं मिल रहा, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है, मैं कपूरथला हाउस जो चीफ का घर है उसको खाली करने के लिए आया। सिद्धू के इस्तीफे के बाद अब आप क्या, आप ये क्या रोल है ये आप AICC से पूछिए। तो अमरिंदर सिंह को आपने सुना, उन्होंने जो बात ट्वीट की वही उन्होंने वापस दोहराई, उन्होंने कहा कि आई डोंट ट्वीट अनलेस आई मीन इट, जब तक मैं उसको नहीं समझता तब तक मैं ट्वीट नहीं करता हूं, यानी उन्होंने कहा कि वो स्टेबल आदमी नहीं है, मैंने पहले ही कहा था, ये उन्होंने ट्वीट किया। और अब उन्होंने जब मीडिया ने उनसे बात की एयरपोर्ट पर, उन्होंने कहा आई डोंट ट्वीट अनलेस आई मीन इट, उन्होंने कहा कि मेरी बात सही साबित कर दिया सिद्धू ने। उन्होंने कहा कि इस्तीफा क्यों दिया, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि आला कमान से पूछिए, कांग्रेस हाई कमान से पूछिए, उन्होंने कहा मैं सिर्फ अपना घर खाली करने आया हूं, कपूरथला हाउस जो मेरा घर है वहां से सामान इकट्ठा करके मैं वापस पंजाब लौट जाऊंगा, मैं किसी से नहीं मिलूंगा।
अर्शप्रीत, जो सवाल आपसे अजय जी ने किया था, देखिए यहां कोई और बात नहीं कर रहा, कांग्रेस में अभी अमरिंदर सिंह वो ये बात कह रहे हैं कि सिद्धू स्टेबल आदमी नहीं है। इस तरह की जो जग हसाई हो रही है कांग्रेस की, देखिए अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, वो कहते हैं मुझे इल्म ही नहीं है, मुझे इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। थोड़ा हैरानी होती है इस बात को सुनकर। क्या कहेंगे आप इस पर? आप मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से? बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बताइए। साहब देखिए, मैं तब भी कह रहा था कि कांग्रेस की फिक्र मत कीजिए, क्योंकि कांग्रेस को फिक्र पंजाब की है और पंजाब के विकास की है और पंजाब के लोगों की है। सर पंजाब हमारा भी है, हमारे भी लोग हैं पंजाब के। साहब आपका भी है, मैं कहां कह रहा हूं कि सिर्फ हमारा है, आपका भी है, सबका है साहब। मैं तो सिर्फ इतनी चीज कह रहा हूं कि अभी हम काम की ओर ध्यान ज्यादा दे रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान गरीबों का तबका जो है हमारा फोकस बना हुआ है, काम शुरू हो चुका है, बिजली के बिल वेव ऑफ कर दिए, पानी के बिल वेव ऑफ कर दिए, हमने मकान डालना शुरू कर दिया, मेडिकल इंस्टीट्यूट को पैसे दे दिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, दवाइयों के भाव कम कर दिए, सरकारी नौकरियां देनी शुरू कर दी, डी क्लास वर्कर्स को रेगुलराइज कर दिया। साहब ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है लीडर्स की और क्या इंटरनल पार्टी मैटर चल रहा है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज डेवलपमेंट, और वो हम कर रहे हैं और करेंगे और उसके दम पे रिपीट करेंगे। और देखिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि बीजेपी को दूसरी पार्टीज को इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि 7 महीनों में इनके 5 मुख्यमंत्री रिजाइन करके गए हैं हाल ही में, पिछले 7 महीनों में। अश्वी जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, चाहे येदुरप्पा साहब, सवाल बड़ा सीधा सा है, आप पहले अपनी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात का जवाब देने के लिए राजीव जी मौजूद हैं, लेकिन सवाल बड़ा सीधा सा है अश्वी जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज जरा सुनिएगा। सर कैप्टन अमरिंदर सिंह आप ही के पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो ट्वीट करते हैं कि सिद्धू अनस्टेबल माइंड का आदमी है, सामने आकर कहते हैं सिद्धू अनस्टेबल है। अगर कोई मानसिक संतुलन की कमी का व्यक्ति है और वो नेता है, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, तो इसके बारे में तो सवाल पूछे जाएंगे। सर इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा, आप ये नहीं कह सकते ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, इस पर कोई सवाल मत पूछो। आप बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं आपकी बात से राजी भी हूं। स्टेटमेंट्स होती है तो ऐसी, जब पंजाब के लोग बहुत नेशनलिस्ट हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। रिएक्शन तो होगा ही, कहा होगा, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। यहाँ किस किस से मिलने का प्रोग्राम है यहाँ पर? यहाँ मैं घर जाऊंगा, सामान इकट्ठा करूंगा और मैं पंजाब जाऊंगा कल। तो मैं पंजाब जाऊंगा वापस, मैं अपना सामान इकट्ठा करने आया हूं, कपूरतला हाउस वो मैं खाली कर रहा हूं, मैं किसी नेता से नहीं मिलूंगा। जब उनसे पूछा गया सिद्धू ने इस्तीफा क्यों दिया, तो उन्होंने कहा ये मुझसे ना पूछिए, ये आला कमान से पूछिए। ये उन्होंने बात, और उन्होंने दोहराई ये बात, उन्होंने कहा कि जो मैंने ट्वीट किया है, आई डोंट ट्वीट अनलेस आई मीन इट, और यानी जो उन्होंने ट्वीट किया है वो उसको बिल्कुल समझते हैं, और उन्होंने बड़े सोच समझ कर ये ट्वीट किया है कि वो स्टेबल नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति जो है स्थिर नहीं है। वही बात उन्होंने आकर दोहराई और साफ ये कह दिया कि वो किसी से मिलने नहीं आ रहे, क्योंकि बात उठ रही थी कि क्या वो होम मिनिस्टर से मिलेंगे, क्या वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे या सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। वो कह रहे हैं कि मैं किसी से मिल नहीं रहा हूं, मैं केवल अपना घर खाली करने आया हूं, मैं वापस पंजाब लौटूंगा। राजीव जेटली, जो बात अर्शप्रीत कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी अपना काम करे, पहले तो यह बताया कि 5 मुख्यमंत्री क्यों बदल दिए 7 महीने के अंदर अंदर, हमारी बात छोड़ दें, हमारी पार्टी की फिक्र वो ना करें। क्या जवाब आपका उनको? किसी भी के अंदर, किसी भी सरकार के अंदर मुख्यमंत्री भी बदले जाते हैं, मंत्री भी बदले जाते हैं। हम मूल सवाल से क्यों दूर जा रहे हैं? मूल सवाल यह है कि सोनिया गांधी के लाडले रहे हैं सिद्धू, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लाडले रहे हैं, और सिद्धू ने कहा है कि मुझे राहुल गांधी ने ही बाजवा के पास भेजा। मैं जरा राजीव जेटली आपके पास आता हूं, अभी आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की शुरू होगी। रणदीप सुरजेवाला ने आधे घंटे का वक्त मांगा था लेकिन उससे ज्यादा हो गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जब वो चंडीगढ़ से लौटे थे सोनिया गांधी के साथ, शिमला से छुट्टी बिताकर, तो सीधे गए शहीद भगत सिंह पार्क, जहां जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार जो शामिल हुए कांग्रेस पार्टी में, उनके साथ हाथ से हाथ बांधे नजर आए थे। और अभी आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें राहुल गांधी नहीं है। राजीव जेटली बोलिए। मैं यही बात बोल रहा था कि हमें मूल सवाल से पीछे नहीं हटना चाहिए। कैप्टन साहब ने बार बार एक ही बात पर उंगली उठाई कि ये मेरे देश के साथ गद्दारी हो रही है, मेरे बॉर्डरों को इनसिक्योर किया जा रहा है, मुझे ऐसी हिदायत दी जाती है जिसे मैं पसंद नहीं करता, मेरे प्रदेश के अंदर नशे की पैदावार की जा रही है, और हमारे इन सब कामों के लिए किसी ना किसी की ड्यूटी लगाई गई, और महत्वाकांक्षी तो सिद्धू रहे हैं,
और ये बात जो है ये सोनिया गांधी को भी पता थी और राहुल गांधी को भी पता थी कि महत्वाकांक्षी है और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। कर रहे हैं यही बात सीधे देखते हैं निकल गई क्या कह रही है कांग्रेस के पास आज कहने के लिए बहुत कुछ है। राजीव जी प्लीज सर। जो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं और जो अपने आप में जिन्होंने लगातार मोदी सरकार और हिटलर शाही की जो नीति है जो 7 साल से इस देश में चल रही है अपने अपने तरीके से युवाओं के लिए गरीबों के लिए वंचितों के लिए शोषितों के लिए पिछड़ों के लिए दलितों के लिए उन्होंने एक व्यापक संघर्ष किया। हमारे इन साथियों को ये लगा कि ये आवाज तब और बुलंद हो पाएगी जब ये आवाज कांग्रेस और राहुल गांधी जी की आवाज में मिलकर एक और एक 11 की आवाज बन जाएगी। और मैं आभारी हूं हमारे साथी कन्हैया कुमार जी, हमारे साथी जिग्नेश मेवानी जी और मेरे एक और मित्र जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं गुजरात प्रदेश के हार्दिक पटेल जी, वो भी उनके साथ उपस्थित हैं। मैं आप सबका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बगैर किसी विलंब के सबसे पहले महासचिव संगठन उनसे अनुरोध करूंगा कि वो संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे और उसके बाद फिर हम आप लोगों को कहेंगे कि वो आप अपनी बात यहां पर रखें। आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, डियर फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू बी हियर इन द आईसीसी ऑफिस टू रिसीव कन्हैया कुमार जी एंड जिग्नेश मेवानी जी एंड अदर कोलीग्स। ऑलरेडी रणदीप जी टोल्ड यू दैट कन्हैया कुमार एक्चुअली इज अ सिंबल ऑफ fighting freedom of expressions in this country. The way in which he fought against the fundamentalism throughout his student education time, the country witnessed. There was that type of young personality is joining Congress, is will enthusiast entire cadre of the Congress party all over India. So we are very much thankful to Kanhaiya Kumar on behalf of All India Congress Committee. We are all heartedly welcoming Kanhaiya Kumar ji to this grand old party. Of course, it's indeed happiness. Dignesh ji is also here, who is also fighting for the same cause which Congress is fighting. Dignesh ji, through his activities, through his interventions, already proved that he also believed the Congress ideology to carry everybody for the future. Other colleagues are all here who are working with Kanhaiya Kumar ji and Jignesh ji. Definitely, it will give a very strong message to the country that young generation, those who are fighting for the needy people, poor people, those who are fighting for freedom, those who are fighting for non-violence,
दे मस्ट एंथुसियास्ट थ्रू दिस एंट्री ऑफ आवर यंग लीडर्स टू द कांग्रेस पार्टी. ऑनरेबल फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ऑलरेडी मेट दिस यंग लीडर्स एंड ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हिज हैप्पीनेस टू दिस पीपल फॉर दम बीइंग इन द कांग्रेस पार्टी. डेफिनेटली कमिंग डेज we will look forward with work with Kanhaiya Kumar ji and Jignesh ji others to defeat the fundamental fascist forces of the country which is ruling in India. Thank you. Thank you. Before I request Kanhaiya ji and Jignesh ji, may I request our in charge of Bihar, Bhaktacharan Das ji, to say a few words. After this. Just wait for 2 minutes. Respected Venugopal ji, Shirwala ji, Bansal ji, Niti ji. आप लगातार देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि कांग्रेस की है. कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाई इनके कांग्रेस में शामिल किए जाने को लेकर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है. लेकिन आइए हम वापस लौटते हैं अपने पंजाब की आज की बड़ी खबर पर. राजीव जेटली जी, ये बात तो स्पष्ट होती दिखाई दे रही है कि अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से शायद आज मुलाकात न करें, लेकिन इसकी संभावनाएं कितनी प्रबल हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह से परहेज की कहीं कोई बात नहीं की. देखिए, हम तो बहुत खुली विचारधारा वाले लोग हैं और देश के प्रति जो भी अच्छी बात करेगा उसका सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है, चाहे वो हमारी पार्टी में हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी में क्यों ना रहता. हाँ, अगर किसी को प्रमोशन दी जाती है और किसी का मिसयूज किया जाता है और ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है जिन्हें पता होता है कि इनकी भूख ज्यादा है, तो जिनकी भूख ज्यादा होती है उससे कांग्रेस अपना काम करवा लेती है. और काम राहुल गांधी जी ने सिद्धू से करवा लिया था. राहुल गांधी जी ने सिद्धू का बाजवा के पास भेज दिया था और अपना काम निकलने के बाद जब ये बात एक्सपोज हो गई पूरी तरह से, कैप्टन साहब ने एक्सपोज कर दी, तो इनके पास कोई चारा नहीं रह गया था. अब ये चाहे सिद्धू इनसे अलग हो या सिद्धू इनके साथ रहे, ये बात एक्सपोज हो गई और ये इल्जाम कांग्रेस पार्टी अपने सिर पे नहीं लेना चाहेगी. लेकिन देखिए, तरकश में तीर अभी कम नहीं है, तरकश में तीर भरे हुए हैं. अभी अभी आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे हैं इसके अंदर कौन लोग ज्वाइन कर रहे हैं? ये वही लोग ज्वाइन कर रहे हैं जिन लोगों ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े होकर भारत देश को गालियां निकाली थी. ये वही लोग हैं और वहीं पर जाकर राहुल गांधी जी ने इनका समर्थन किया था. अरे, हम तो कहते हैं बहुत अच्छा हुआ कि ये पार्टी में जुड़ गए, क्योंकि अभी तक विभिन्न तरीके से देश को गाली निकालते थे और छुपे रूप से कांग्रेस इनका समर्थन करती थी. अब कम से कम कचरे का ढेर एक जगह इकट्ठा तो हो गया, उठाना आसान होगा. पहले ढेर फैला हुआ था, इसलिए हमें झाड़ू लगाते लगाते ढूंढना पड़ता था कचरा कहां कहां पड़ा है. लेकिन राजीव, एक साल इकट्ठे हो गए. भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि ये दोनों लोग जो है वो एंटी नेशनल है. कन्हैया कुमार के ऊपर अभी तक किसी भी मामले पर उन्हें यह साबित नहीं किया गया है कि उन्होंने इस तरह की कोई बात की है, कहीं पर भी साबित नहीं हो पाया. चार साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है. मुझे आप ही तो कितने साल से ये मामला चलता रहा और कब तक आप इसको विवादित करेंगे? नहीं नहीं, आप ही का टीवी चैनल था और सारे देश के टीवी चैनल थे, लाइव दिखाया था. हमने अपने कान बंद कर रखे थे क्या इस देश ने? हमने लाइव सुना वहां पर क्या बात की जा रही थी जी. आप बात कर रहे हैं आर्बिट्रेशन की. आर्बिट्रेशन इज एंटायरली डिफरेंट मैटर, ठीक है. उसके बाद उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी. कानून का भी तो पालन होना चाहिए ना, तो वो पालन क्यों नहीं हो रहा? देखिए, कानून का पालना क्यों नहीं होगी? कानून अपनी तरीके से अपनी कार्यवाही करेगा. लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न उठा रहा हूं, कोई मना कर सकता है इस बात से कि आपने ऐसे व्यक्ति को तो जेल के बाहर होना ही नहीं चाहिए? कह सकता है या वो अखबारें जिन्होंने बकायदा मैं तो तब मानूंगा जब कानून की तरफ होगा. कन्हैया कुमार कहते हैं उन्होंने नहीं कहा. हाँ, वो कहते हैं मैंने नहीं कहा, आप कहते हैं हमने सुना नहीं. तो इस देश की जनता ने किसको सुना था जहां राहुल गांधी खड़े हुए थे? वो देश की जनता ने, वो ब्लैक ठीक है. राजीव जेटली, जरा दो खास मेहमान और जुड़ गए, उनका भी मैं परिचय करवा दूं. हमारे साथ जंगवीर सिंह साहब जुड़ गए अकाली दल से और साथ ही साथ एडवोकेट रविंदर सिंह आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं. जंगवीर साहब, पहले आपके पास आना चाहूंगा, ये हो क्या रहा है पंजाब में? सर, सिद्धू इस्तीफा दे देते हैं, अमरिंदर सिंह दिल्ली आ रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, एक सीएम को ये नहीं पता कि स्टेट प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया, वो कह रहे हैं अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई. क्या चल रहा है सर पंजाब में? ऐसे भी अपना
जो ये लग रहा है कि जो मिस्टर नवजोत सिद्धू है, इन्होंने तो सारी सीमा पार कर दी पॉलिटिकल जो अपॉर्चुनिज्म और ग्रीड की। ये चाहते हैं कि सब कुछ इनके पास हो। अब ये कांग्रेस पार्टी को भी हाईजैक करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि स्टेट लीडरशिप जो है वो भी इनके नीचे हो। पहले इन्होंने कांग्रेस हाईकमांड के साथ लड़ाई लड़ी और फिर नाराज भी रहे, और उसके बाद इन्होंने पीसीसी प्रेसिडेंट बन गए। पीसीसी प्रेसिडेंट बनने के बाद जब इनको मौका मिला तो ये चाहते थे कि सीएम भी मैं बनूं। सीएम जब नहीं बन पाए, इन्होंने नाटक भी करा कि जो चरणजीत चन्नी है, मैं तो बहुत खुश हुआ, बहुत ज्यादा खुश हूं मैं। अगर इतने खुश थे तो उसके साथ चिपक के दो तीन दिन साथ चिपते रहे और उनको कंट्रोल करना चाहे, उनको एक पपेट बनाना चाह रहे थे। जब कहीं चरणजीत चन्नी ने थोड़ा झटक दिया इनको तो फिर ये नाराज हो गए, और नाराज होके अब फिर कोई ना कोई बहाना लगा के फिर दोबारा ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। और ये पहली बार तो ब्लैकमेलिंग कर नहीं रहे, इन्होंने बीजेपी में भी ऐसे करा था, इन्होंने तब भी कोई ना कोई बहाना लगाया था। चलिए रविंदर जी, क्या आप बाएं फैलाकर इंतजार कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू का? क्या कह रहे हैं जी? रविंदर जी से सवाल है मेरा। रविंदर जी, आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों पे खड़ी है, आम आदमी पार्टी पंजाब के लोगों के साथ खड़ी है। सिद्धू जी कांग्रेस को ही मुबारक हो, जितनी वो पॉलिटिक्स करते हैं वो कांग्रेस को ही मुबारक हो। लेकिन मैं इस सारे प्रकरण में से जो देख पा रहा हूँ वो ये देख पा रहा हूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम मुझे लगता है पंजाब में इंडियन नेशनल सर्कस हो गया। आप देखिए जिस हिसाब से सिद्धू जी कभी सीएम के पीठ के ऊपर हाथ रखते हैं, जिस हिसाब से उनका हाथ पकड़ के खींचते हैं, उनको औथ लेने के समय उनको कागज उनका पढ़ के बताते हैं, जिस हिसाब से एक चीज गाइड कर रहे थे वो अपने आप में दर्शा रहा था कि उनको गाइड किया जा रहा था। शायद चन्नी जी को इस चीज से दिक्कत भी हुई हो, उनके अपने तरीके। और जिस हिसाब से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने बोला है कि वो ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, मुझे एक बात समझ में आती है। बहुत दोहरे इंडियन नेशनल कांग्रेस अब इंडियन सर्कस बन चुका है। अशप्रीत जी, मैं इसका 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 पूरा एक वर्जन बताना चाहता हूं। वो ये है कि जो कांग्रेस के मेरे भाई बोल रहे हैं कि हमने हमने ये कर दिया कि हमें कांग्रेस के मामलों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन विपक्षी पार्टी आपको सर्कस बुला रही है। रविंदर जी सुन लीजिए काइंडली, आपने बोल लिया मुझे जी, ये सवाल आपके लिए सर। साहब मैं वही कह रहा हूँ कि अब मौका मिला है, पहले बोल रहे थे वो। पहली बात तो देखिए, ये उस पार्टी की बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्होंने इनकी जमानत जब्त करवा के वापस भेजा था। ये जो बड़ी बड़ी ढींगे मार रहे हैं यहाँ पे, केजरीवाल साहब पंजाब में आके एलिगेशन लगा के माफी मांग के वापस गए थे, इनको भूलना नहीं चाहिए ये चीज को। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी हमारे बारे में बात कर रही है, इन्होंने अपने को फाउंडर्स को ही बख्शा, योगेंद्र यादव को नहीं बख्शा, प्रशांत भूषण को नहीं बख्शा, छोटेपुर को नहीं बख्शा, धर्मवीर गांधी को नहीं बख्शा, सुखपाल खैरा को नहीं बख्शा। इनके एमएलए साहब माइग्रेट करके कांग्रेस को ज्वाइन कर गए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन छोड़ करके कांग्रेस में आ गया, बिकॉज उनको भरोसा कांग्रेस पे ज्यादा है, आम आदमी पार्टी पे कम है। श्रोमणी अकाली दल की बात कर लीजिए, एसएडी टकसाली, एसएडी अमृतसर, एसएडी यूनाइटेड, एसएडी संयुक्त, इनकी पार्टीज इतनी ज्यादा है एसएडी के नाम से कि वर्कर्स और लीडर्स को नहीं पता कि किसको एड्रेस करना है, लीडरशिप कौन है हमारी, अरे भाई चीफ कौन है हमारे। तीसरी बात, बीजेपी की प्रेजेंस पंजाब में अपनी पार्टी तो एक है ना, तो नवजोत सिंह सिद्धू आपके लिए एसेट है या लायबिलिटी है, इसी का जवाब दे दीजिए सर। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के लिए एसेट है, लायबिलिटी है? साहब जितने कांग्रेस के लीडर्स हैं जिन्होंने पंजाब के लिए काम किया वो सारे असेट है। दूसरी बात देखिए, ये है कि कांग्रेस की फिक्र ये ना करे तो बेहतर है, बिकॉज हमारा ध्यान सारा काम पे है, पंजाब के लिए काम किया है। क्या नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के लिए एसेट है? साहब मैं कह रहा हूँ जितने लीडर्स कांग्रेस के काम करते हैं वो असेट कांग्रेस के लिए हैं, जिन्होंने लोगों का विकास किया है। जितने क्यों कहना, आप सीधे बोलिए ना, मैं तो आपसे सीधे पूछ रहा हूँ। साहब मैं आपको एक चीज बता, एक सेकंड सर, रणदीप जी एक मिनट, हर्षप्रीत जी की बात सुनते हैं सर। आप सीधा बताइए, नवजोत सिंह सिद्धू क्या कांग्रेस पार्टी के लिए पंजाब में एसेट है या आप उनके लिए लायबिलिटी बन चुके हैं? मैं सीधा ही बता रहा हूं साहब कि जितने लीडर्स ने जो जो काम किया पंजाब के लोगों के लिए वो हमारी पार्टी के लिए एसेट है, छोटा काम बड़ा काम।
मीडियम वर्ग का काम, दे हैव डन समथिंग विद द पीपल ऑफ पंजाब, दे आर एन एसेट टू द पार्टी। सेकंड ऑफ ऑल, साफ नाम लेकर बोलिए ना कहां सिद्धू ने काम किया है। साहब सारे सारे लीडर्स ने काम किया, कैप्टन साहब ने, सिद्धू साहब ने, चन्नी साहब ने, जितने लोगों में सिद्धू भी एक है साहब। देखिए हाँ जी, मैं सुन नहीं पाया आपने क्या कहा। तो ये बड़ा सीधा सा सवाल है सर, अगर नवजोत सिंह सिद्धू एसेट हैं, एक एसेट अपने रिजिग्नेशन की चिट्ठी को सार्वजनिक करता है, अगर अंदरूनी मामला होता तो वो सिर्फ सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखते, सार्वजनिक नहीं करते, ट्वीट नहीं करते, वो सार्वजनिक कर रहे हैं इसको, यानी कि दुनिया को बताना चाहते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के मौजूदा प्रकरण से खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, पंजाब की हित के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। सवाल इसलिए उठता है कि ऐसा कौन सा कॉम्प्रोमाइज आप करवा रहे हैं उनसे जो वो उनका उनका जमीर गवारा नहीं दे रहा। साहब मैं स्पष्ट कर देता हूं, देखिए कि कांग्रेस पार्टी में ये चीजें इसलिए हो पा रही हैं बिकॉज कांग्रेस पार्टी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डिसेंट आज भी कायम है, अनलाइक बीजेपी। 7 महीनों में 5 मुख्यमंत्री कांग्रेस के रिजाइन नहीं करते हैं और उनमें इतना दम नहीं था कि बोल सके कि हमें उतारा जा रहा है, हम खुश नहीं है, कुछ नहीं है। उनको डर था, भय था, बिकॉज वो तानाशाह सरकार है, हमारी पार्टी ऐसा नहीं है। साहब आप कह रहे हैं कि आपका इंटरनल मैटर था तो दिखाया क्यों? साहब बोल के गए, सच बोल के गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपथी, कैप्टन साहब ने जो कंपैशन बात कही है कि मेरे प्रदेश को बर्बाद किया जा रहा है वो उनकी सच्चाई थी, आपने खुद ही कबूल कर लिया इस बात को। कांग्रेस नीड्स तो आप काम करना है, व्हाट कांग्रेस नीड्स, बीजेपी की एग्जिस्टेंस पंजाब में उतनी ही है साहब जितनी मोदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जीरो है। फिर ये बात करें कन्हैया कुमार की, बात तो सच्चाई की सजा दी क्या आपने उनको? ये तो रिवॉर्ड, सच्चाई की सजा दी क्या? अरे साहब सच बोलने की सजा गाया था राहुल गांधी, सोनिया गांधी गोली मारो, ये नारा बता दीजिए किसने लगाया था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, बताइए किसने नारा लगाया था? देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को बताइए, मिलाकर रखिए। अरे गोली मारते हैं जस्टिफाइड, देश के गद्दारों को अपनी पार्टी में रखिए, चुन चुन जस्टिफाइड, देखिए कौन कितना भूखा है, कौन कितना महत्वाकांक्षी है, अपना आई द सुप्रीम कोर्ट, यू सी का क्या काम निकलवाइए, कौन है डिसाइड करने के लिए साहब? अपनी पार्टी में लेके आइए, बना दिया गोली मारो से आप मिनिस्टर बना दिए साहब, को फूलदान में सजा के रखे हैं, मिनिस्टर बना दिया ऐसे लोगों को, नहीं फूलदान में सजा के रखे हैं, मिनिस्टर बना दिया ऐसे लोगों को, देश के गद्दार सजाने वाली चीज है आपकी नजर में क्या? सलूट है आपके लोकतंत्र को, देश के गद्दार सजाने वाली चीज है, सलूट है ऐसी चीजें करने के लिए। बोला कन्हैया कुमार थे बुलंद आवाज है कैप्टन साहब, एक एक करके अगर आप एक मुद्दे पर वापस आते हैं, मुद्दे पर वापस आते हैं, एक एक करके हर्षप्रीत जी, एक एक हर्षप्रीत जी मुद्दे पर वापस आते हैं, मैं एक बार फिर अब पंकज जी एक मिनट सर, अश्वित जी मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। आपने कहा कि यह पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपके नेता कुछ भी कह लेते हैं, सब कुछ स्वीकार्य है, तो आपके नेता हर तरह के डिसेंट को, हर तरह की बातों को, रिजिग्नेशन को, सब कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहें, यह अच्छी बात है, यानी पार्टी में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लोगों के बीच में जाकर जो मन में आए कह दो, यही तरीका है कांग्रेस का? ये पहले तो नहीं था, नया है तो बता दीजिए, हम इसके लिए भी एडजस्ट हो जाएंगे। मैं बता देता हूं, देखिए कांग्रेस जानी जाती है फॉर अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपथी, एम्पथी, कंपैशन एंड वर्क, ये हमारे सिग्नेचर साइंस हैं। हम काम करते हैं, ये चीजें डिलीवर करते हैं, और आपकी जनता के लिए तो अकाउंटेबिलिटी है नहीं, आपकी बता देता हूँ, आप ही के विधायक बोल रहे हैं, बर्बाद कर दिया हमने पंजाब, आपके टाइम में बोलना पड़ेगा, बोल रहे थे मौका नहीं मिलेगा, रंधावा बोल, मैं बस इतनी चीज स्पेसिफाई कर दूं कि पंजाब में काम शुरू हो चुका है, विकास होना शुरू हो चुका है, 100% टच होगा, बड़े देखिए मान रहे हैं, अभी तक हमने बर्बादी मचाई थी, अब हमने काम करना शुरू कर दिया क्योंकि 2 महीने रह गए। आपने कुमार साहब आपने एक चीज नोट नहीं, देखिए बोल क्या रहे हैं, खुल गई, अब सोचिए सुनिए, दरवाजे खुल गए, कांग्रेस में सुनिए बोल क्या रहे, पहले कैप्टन साहब अच्छे हैं, इसमें मोहर लगा दी सोनिया गांधी ने, सजा दी इसमें मोहर लगा दी, हमने काम नहीं किया पंजाब में, इसमें भी मोहर लगा दी, अब हम शुरू कर रहे हैं, इसमें मोहर लगा रहे, बताइए सीट जीत जाए। अरे मेरे भाई के मुंह से लाल टपक, सोच के तो बोला करो, बोल क्या रहे हो कैप्टन साहब? राजीव जेटली जी एक मिनट, अर्शप्रीत एक मिनट, अर्शप्रीत जी जरा आपसे निवेदन है, एक मिनट मैं राजीव जेटली के पास आना चाहूंगा। राजीव जेटली जी देखिए सीधे सीधे बताइएगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह हालांकि अभी मना कर रहे हैं लेकिन सुबह से खबरें चल रही थी, क्या अमरिंदर सिंह जो है, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी से अक्सर वो मिलते रहे हैं, अमित शाह जी से उनके बड़े अच्छे संबंध है, क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि कुछ चुनाव जो है पंजाब में उनकी लीडरशिप में लड़ा जा सकता है,
इस तरह की उम्मीद करें क्या? ये तो डेस्परेट है साहब। देखिए हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न पंजाब की सुरक्षा है। पंजाब से बहुत लंबा बॉर्डर लगता है, वो सिक्योर होने चाहिए। पंजाब नशा मुक्ति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। पंजाब के अंदर एक स्थापित एक मैच्योर लीडरशिप होनी चाहिए। और ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी की है। और भारतीय जनता पार्टी आज भी इस बात को लेकर कमिटेड है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी में अगर ईमानदारी से काम करता है, देश के प्रति वफादार है, तो वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में क्या हो, हम उसका सम्मान करते रहे, उसका सम्मान करते रहे। ये कैप्टन साहब का प्रेरोगेटिव से उनका विशेषाधिकार है। वो किस राजनीतिक पार्टी में जाना चाहते हैं, कौन सी पार्टी बनाना चाहते हैं, वो भारतीय जनता में आते हैं नहीं आते हैं, ये इमेटेरियल है। इस टाइम सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर केवल इतनी है, सबसे महत्वपूर्ण केवल इतनी है, कांग्रेस पार्टी ने जो बर्बादी पंजाब में मचाई, हमारे हिसाब से नहीं। राजीव जेटली जी ये सवाल आपके लिए है। शीर्ष नेतृत्व जो राजीव जेटली जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने इस्तीफे के साथ, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ, अश्विन जी एक मिनट प्लीज, राजीव जेटली जी के लिए सवाल है। राजीव जेटली जी प्लीज सर सवाल सुनिएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब अपनी इस्तीफे की पेशकश की थी, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा था कि किसानों के मुद्दे पर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर आप अपने दरवाजे कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए खोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसानों के कृषि कानून के मुद्दे पर भी आपको पुनर्विचार करना पड़ेगा। आप किसके लिए तैयार रहेंगे? आपकी पार्टी तैयार रहेगी? आप कहते हैं हमारे लिए हर किसी के लिए दरवाजे खुले हैं तो उसकी शर्त यह है। देखिए अजय जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, आप बार बार इसको इस तरीके से क्यों कह रहे हैं किसानों के मुद्दे पर? भाई हम तो कह रहे हैं किसानों के मुद्दे पर ही तो हम चर्चा करते हैं, किसानों के मुद्दों के लिए तो इस कानून को लेके आए। ये जो जितने भी राजनीतिक पार्टी बैठे हैं, ये सुनिए, ये दलाली कर रहे हैं अमेरिका और कनाडा और यूके में बैठे उन बड़े बड़े आढ़तियों की, जिन आढ़तियों का एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश केवल पॉलिश करके सामान बेचा जाता है, कमीशन खाई जाती है, ये उनकी दलाली कर रहे हैं। किसानों का कोई बात नहीं रख रहे कि इनसे पूछिए कौन से छोटे किसान को फायदा होने वाला है। तीन देशों में बैठे लोगों की जिन्होंने भारत देखा भी नहीं, वो यहाँ कमीशन खोरी करते हैं केवल, ये लड़ाई उनकी लड़ रहे हैं, ये किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और मैं दूसरी बात पूरे देश के दिल्ली में राजीव जी मेरा सवाल बिल्कुल अलग है, आप जवाब बिल्कुल अलग दे रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। अश्विन जी वन मिनट। राजीव जी मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, सवाल बहुत सीधा सा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीते एक साल में लगातार तीन कृषि कानून के वापस लिए जाने की मांग को सामने रखा है, इस्तीफे के बाद भी अपनी इसी मांग पर अड़े हुए थे। अगर वो आपके साथ हाथ मिलाते हैं तो यही शर्त आपके लिए भी होगी, क्या आप वापस लेने के लिए तैयार हो जाएंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ मिल जाए? कैप्टन साहब ने हमेशा यह कहा कि अगर किसानों को किसी बात की आपत्ति है तो उसमें अमेंडमेंट करना चाहिए, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमारे कृषि मंत्री जी रोज आमंत्रित करते हैं किसान भाइयों को, सॉरी किसान नेताओं को, तथा कथित किसान नेताओं को, तथा कथित ठीक है। और मैं दूसरी बात एक मैं साथ में जोड़ दूं, मैं आज पैनल पे आम आदमी पार्टी की तारीफ करे बिना नहीं रहूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी थी जिसने हमारे कृषि कानून लागू होने के बाद सबसे पहले नोटिफाई करके उसको लागू किया था। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल साहब ने 20 नवंबर 2020 में उसको नोटिफाई करके लागू किया था। मैं आम आदमी पार्टी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने सबसे पहले कृषि कानून को लागू किया था। राजीव जी की कमाल कर रहे हैं आप सवाल का, आम आदमी पार्टी की तारीफ हो रहा है, मैं समझ सकता हूं। रविंदर जी एक आप खबर दीजिए ना हमें, रविंदर जी आप ये बताइए, क्योंकि आपके पास चेहरा नहीं है पंजाब में, तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू को वेलकम करेंगे आप पंजाब में? आम आदमी पार्टी, आप मैं तो पहले आशप्रीत जी की बातों का जवाब एसेट बता रहे हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू को, लेकिन एसेट जो है वो नाराज हो गया है, तो क्या आप उन्हें चेहरा बनाएंगे पंजाब में? पंकज जी मैं जवाब देना चाहता हूं अश्विन जी की बातों का, कि मुझे तो कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं लास्ट 5-7 दिनों से जितनी भी डिबेट्स में गया हूं, मुझे तो हंसी ही आ रही है जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता, बिल्कुल सर्कस वाला बात है। मैं अश्विन जी को बताता हूं, आपके ही प्रवक्ता बाली साहब ने कैप्टन साहब को ऑब्लिगेशन बताया है, और मैं आपको बता नहीं सकता राजनीतिक भाषा में कि कौन कौन सी गाली जो नहीं है उन्होंने आपके कैप्टन साहब को दिए, जिनको आप एसिड बता रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि
बहुत दुर्भाग्य की बात है खड़ियाल साहब कि पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ताओं की स्टेटमेंट सेम नहीं है। एक प्रवक्ता सिद्धू खेमे का है जो कैप्टन को गालियां निकालता है, दूसरा प्रवक्ता कैप्टन खेमे का है जो गिरिराज सिद्धू को कोसता है। आप वाली साहब का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में देखिए खड़ियाल साहब, मैं उस डिबेट में था। वाली साहब ने कैप्टन साहब के खिलाफ क्या क्या, क्या बात नहीं कही, उनको राजनीतिक दल्ला का मुद्दा। और ये रविंद्र साहब जी मेरे पास वक्त जरा कम है, हमारे पास वक्त कम है, इसलिए मैं पंकज जी के सवाल को एक बार फिर आपके सामने दोहरा रहा हूँ। आप बता रहे हैं कि दो महीने में हम ये रविंद्र जी मुद्दे से हम जरा थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। ये बताइए कि आम आदमी पार्टी के साथ नवजोत सिंह सिद्धू ने पिंगे पहली बुलवाई थी, मुख्यमंत्री का पद आम आदमी पार्टी नहीं दे पाई थी इसलिए समझौता नहीं किया। अब नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफा दे चुके हैं, खाली हैं, कांग्रेस के हिसाब से एसेट हैं, आपके लिए एसेट बनेंगे, आपके लिए चेहरा बनेंगे। पंकज का सवाल यही था, सीधा जवाब दे दीजिए हाँ या ना। आम आदमी पार्टी पंजाब के हितों की बात करने वालों की, पंजाब की, पंजाब के मुद्दों की बात करने वालों को, पंजाबियत की बात करने वालों को, उन लीडर्स को मौका देगी जो सड़क से लेकर संसद तक अपनी बात रखते हैं, पंजाब की नौजवानी की बात करते हैं, पंजाब में बाहर फंसे हुए एनआरआईज को पंजाब में वापस और पूरे भारत के फंसे हुए एनआरआईज को भारत पूरे मसले पर तो नवजोत सिद्धू एकदम पंजाब के पूरी बात सुन लीजिए, पंजाबियत की बात करते हैं। जी आपने जो डेफिनेशन दिया उसमें नवजोत सिंह सिद्धू फिट बैठते हैं, हम मान ले कि वो आपके नेता हैं। आपको ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी पंजाबियों का और खुद का, आम आदमी पार्टी के पास सीएम चेहरों की कमी नहीं है, आम आदमी पार्टी सीएम चेहरा वो देगी जो आज से नहीं कई सालों से पंजाब की बात करे, पंजाबियत की बात करे, पंजाब के मुद्दों की बात करे और पंजाब को सही। तो सिद्धू का स्वागत नहीं है आम आदमी पार्टी में, हम ये मान ले फिलहाल तक आम आदमी पार्टी का सिद्धू जी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, वो इनके कांग्रेस के प्रधान थे, अभी उन्होंने इस्तीफा दिया, उनकी अपनी मंशा होगी क्या करना चाहेंगे। और कांग्रेस से सवाल जरूरी बनता है कि आप, चलिए मैं आखिरी सवाल अश्वित जी आपके लिए बचा के रखा हुआ था अभी तक, नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफा दे चुके हैं, अब अगर पार्टी छोड़ने की बात करेंगे आप रोकेंगे उनको या जाने देंगे? देखिए ये सवाल तब उठता जब इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाता, ये ऑफिशियल हो जाता, अभी तक ये हुआ नहीं है, देयरफॉर ये सवाल बनता नहीं है और मैं जवाब दे नहीं सकता। तो जब जैसे सर्कमस्टांसेस होंगी वक्त उस चीज का गवाह होगा कि क्या होना चाहिए। तो यानी अभी चांसेस हैं कि आप इस्तीफा स्वीकार ना करें, मना लिया जाए, उन्हें ढोल ताशे नाड़े के साथ उनका स्वागत फिर से होगा? साहब ऐसी बात है कि यहाँ पे अनलाइक बीजेपी, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, इकलौता आदमी फैसले नहीं लेता, सारी पार्टी मिलकर के लेती है, सबका कंसेंसस लिया जाता है। तो जैसे ही पार्टी डिसाइड करेगी, तो बोल रहे थे हम सोनिया गांधी पे सारे अधिकार छोड़, अरे साहब करके बोलिए हमारे हमारे सबका धन्यवाद देता हूँ, हम आप सबका धन्यवाद देते हैं, आप सब इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप देखें तो जब भी कोई राजनीतिक क्राइसिस शुरू होती है तो उसके साथ ही आला कमान की भूमिका सामने आती है, किसी भी तरह का आक्षेप आला कमान पर आने नहीं दिया जाता है, लेकिन जाहिर सी बात है सब कुछ अंततः आला कमान के पास ही होता है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा दे दिया है, सोनिया गांधी ने अभी स्वीकार नहीं किया, ना ही कांग्रेस पार्टी ने अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने रखी है। चल क्या रहा है कांग्रेस में, यह बड़ा सवाल है, और यही सवाल इसलिए भी बड़ा बनता जा रहा है क्योंकि जो उठापटक कांग्रेस में मची हुई है पंजाब में, खास करके एक ऐसे राज्य में जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में अब से 3 महीने पहले तक पूरे कांग्रेस को भरोसा था, और आज न तो कैप्टन के नेतृत्व में भरोसा है, न नवजोत सिंह सिद्धू अपने उस कॉल पर कायम है कि वो कांग्रेस को शीर्ष तक पहुंचाकर रहेंगे। क्या होगा बेहतर, नवजोत सिद्धू या कांग्रेस पार्टी के नेता ही जानते हैं। क्यों पंकज जी, बिल्कुल आप नफासतों के शहर में, अजय जी आज तो बड़े लजीज व्यंजन आप खाने वाले हैं आज शाम को, बहुत बहुत शुक्रिया आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़े। तो क्या सिद्धू अपने ही बुने जाल में उलझ गए हैं, क्या सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई में राहुल गांधी को फंसा दिया है? कुरुक्षेत्र में बड़ी बहस सबसे कुछ देर बाद सौरभ शर्मा के साथ शाम 6:20 पर।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।